आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ कानपुर के सबसे फेमस बनारसी टी स्टॉल वालों के, जिनके यहाँ चाय पीने वालों की दीवानगी इतनी है ना कि वो लोग आधी रात को दुकान को खुलवा के चाय पीते हैं। और भाई दिखाएंगे आपको प्रॉपर मेकिंग कैसे हो। भाई कानपुर का पूरा हर एक बंदा दीवाना है इनकी चाय का, तो हम भी पियेंगे, बताएंगे कि ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से पूरा कानपुर ही दीवाना हो गया इनकी चाय का। दिस इज अ शॉप, और चलिए बात भी करेंगे भैया से और देखते हैं कि कैसी है चाय यहाँ की, जिसके लिए लोग इतने ज्यादा दीवाने हैं। भाई अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और ऑलमोस्ट चाय फिनिश हो चुकी है, और भाई जो बचा है इतना ही बचा हुआ है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर चाय को दिया जाता है, जो आइटम है इतना ही आइटम है, तो हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट भी करके देख लेंगे, क्योंकि भाई इतनी रात हो गई है और भाई इतने मेहनत से यहाँ तक आए हैं, तो आपको ऐसे निराश नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले दिखा रहे हैं भट्टी के ऊपर ये केतली रखी हुई है। भैया इसमें क्या है? गर्म पानी। एक सेकंड खोल के ये देखो जी, कैसे पानी खोल रहे हैं, वो भी चाय की पत्ती का पानी है। और इसमें क्या है भैया? ये देखो, ये जी चाय की पत्ती है, ये देखो ये नॉर्मल पानी है, और यहाँ पे देखो जी ये मलाई है जो कि दूध की, और वो इस तरीके से कुल्लड़ में डाल दी जाती है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस आता है जरा वो दिखा दीजिए भैया, पहला प्रोसेस क्या होता है? वो होता है चीनी का। कुछ इस तरीके से चीनी को कुल्लड़ में डाल लिया जाता है 1 से 2 चम्मच और अपने अंदाजे से, और अब आएगा हमारा वहां से मलाई। ये देखो जी कुछ इस तरीके से मलाई को भैया डालते जा रहे हैं कंटिन्यू, और सभी ग्लास में यहाँ पे मलाई वाला दूध आ चुका है, और अब आएगी यहाँ पे चाय की पत्ती मसाला, सॉरी चाय पत्ती का मसाला होता है भैया, इलायची का मसाला। और ये देखो जी कुछ इस स्टाइल में आपको यहाँ पर चाय मिलेगी। वाओ कितना अमेजिंग और कितना यूनिक स्टाइल में आपको यहाँ पर चाय को सर्व किया जाता है, चाय की पत्ती का पानी कुछ इस तरह की। और भाई यहाँ से इसको फेंट दिया, मतलब मिक्स कर दिया गया है, तो फाइनली अपनी चाय का कुल्लड़ बनकर तैयार हो चुका है यहाँ पे। ये देखो ये चाय की पत्ती है भैया, अलग ही टाइप की है बिल्कुल एकदम से, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से मिक्स कर दिया जाता है। ऊपर से आ चुकी है ये देखो जी मलाई, वाओ कितने यूनिक स्टाइल में आपको यहाँ पर चाय पीने को मिल जाएगी, क्या बात है। अभी एक ग्लास कितने रुपए का बन के तैयार होता है? 20 रुपए का, 30 रुपीज का। भाई आपको यहाँ पे ये जो चाय है वो ओनली 30 रुपीज की कुल्लड़ वाली चाय मिलकर तैयार की जाएगी। तो चलिए हम भी ये चाय का आनंद लेंगे और बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है, जिसकी वजह से पूरा कानपुर हो चुका है दीवाना। पे कुछ दोस्त लोग मिलके चाय पीने, चलिए बात करते हैं। हेलो जी, कैसे हैं? यस मैम। कहाँ से आप? मैं ये पास ही लोकल से हूँ। कब से पी रहे हैं इनकी चाय? काफी टाइम हो गया, 5-6 सालों से। कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, पहले तो बाहरी मतलब पीने का था, अब अंदर इन्होंने बड़ा कर लिया, बढ़िया चाय टेस्ट बढ़िया रहता है। क्या बात है, आपको कैसी लगती है इनकी चाय? बहुत अच्छी लगती है। सॉरी एकदम से झटका मारती भैया, कुछ बताएंगे आप? अरे चाय में टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत पुराने हैं इनकी, एक दो ब्रांचे भी हैंगे, यहाँ है स्वरूप नगर पे है, टेस्ट अच्छा है। थैंक यू। तो भाई फाइनली चाय आ चुकी है और मेरे को यहाँ तक लेकर आए हैं मिस्टर अमन। अमन जी हेलो जी। पूरे कानपुर में ना अपने बन मस्का के लिए बेहद फेमस है श्री पंडित जी के नाम से, है ना? तो ये पहले ये बताओ, ये ऐसा क्या है जो आप यहाँ पे हमें इतनी रात को, मतलब हम तो सो रहे थे, हमें रात को उठा के चाय पिलाने के लिए लेकर आया, तो जरा कुछ बताओ पहले। पुराना कल्चर है यहाँ का, चाय बनाने का पूरा तरीका ही पुराना है, पूरा तरीका पुराना है, मुगलों के जमाने का तरीका था चाय बनाने का, उसी तरीके का चाय, उसी तरीके का चाय है। तो भाई देखते हैं पीकर भी कैसा स्वाद है। मलाई भाई बहुत टेस्टी चाय है भाई, ये चाय ना हमारे आगरा की दिल्ली गेट को भी टक्कर दे रही है, इतनी स्वादिष्ट चाय, और जो ऊपर से मलाई इसकी तो बात ही अलग हो, और भाई इलायची का फ्लेवर आ रहा है। वैसे और जगहों पे मलाई डाल के तो मैंने नहीं पी अभी तक मैंने इलायची के फ्लेवर के साथ ही चाय पी, लेकिन ये बहुत टेस्टी है, इसीलिए आप लोग हमेशा जब भी आते हो यहीं की चाय पीते हो। मैंने सुना इनकी एक और शॉप है, और भी शॉप है स्वरूप नगर में, स्वरूप नगर में, लेकिन सबसे पुरानी शॉप कौन सी है? सबसे पुरानी यही है, सबसे पुरानी। तो ये जरा अगर किसी को पीना होगा तो कहाँ होगा, जरा लोकेशन बता सकते हैं? लोकेशन है ये अपनी 80 फीट रोड, 80 फीट रोड है, और आप आधी रात को भी आएंगे तो आपको दुकान वैसे खुली मिल जाएगी, हमारे टाइम पे वैसे बंद होने जा रही है, ऑलमोस्ट फिनिश होने जा रहा है, हम जा रहे हैं चाय को यहीं पर फिनिश करने के लिए। और अमन का चैनल है किस नाम से जरा बताओगे? श्री पंडित जी फूड्स के नाम से, जो की सुबह कानपुर में मोस्ट फेमस है, और सुबह के ब्रेकफास्ट में यहाँ पे बन मस्का मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा, बन मस्का और
मठा है ना, मठा मोस्ट फेमस है यहाँ के, लोग ब्रेकफास्ट में वो प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही इनके पास इवनिंग का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है चाइनीज में, तो भाई जाना, इनका पेज भी देखना, इनके संग मैंने कोलैबोरेशन किया, एक बार जाकर देखना। और कभी भी कानपुर आ रहे हो तो एक बार इनको जरूर कॉन्टेक्ट करना। ये वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, और अपने चाय लवर्स के साथ ये वीडियो जल्दी से टैग कर दो। मिलते हैं आपसे किसी नए फेस पर नए खाने के साथ, तब तक के लिए बाय।